अपने लोकोमोशन एंड मूवमेंट चैप्टर में हमने मसल्स के बारे में डिस्कस कर लिया, अब हम स्केलेटन सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। तो स्केलेटन जो हमारा है ये दो फॉर्म में प्रेजेंट है, देयर इज टू मेन फॉर्म ऑफ स्केलेटन, दैट इज एक्सोस्केलेटन एंड एंडोस्केलेटन। एक्सोस्केलेटन की जब हम बात करें तो हमारे जो नेल्स हैं, हेयर्स हैं, दे आर ऑल एक्सोस्केलेटन। हॉर्न, फेदर्स, ये सब क्या है सर? दे आर एक्सोस्केलेटन। और ये सब कहां से डिराइव्ड हैं? दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम एपिडर्मिस। तो जो एक्सोस्केलेटन है वो एपिडर्मिस से डिराइव हो रहा है। वहीं अगर हम बात करें एंडोस्केलेटन की तो दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन, इसमें हमारे बोन्स, कार्टिलेज ये सब आ रहे हैं। दे आर फॉर्मिंग द एंडोस्केलेटन, बोन्स, कार्टिलेज हमारा एंडोस्केलेटन बना रहे हैं बॉडी को। और ये कहां से डिराइव हुए? दे आर डिराइव फ्रॉम मेसोडर्म, दे आर मेसोडर्मल इन ओरिजिन। और यहां पर इस चैप्टर में हम अपने बॉडी के बोन्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, एंडोस्केलेटन के बारे में बात करेंगे, हमारी बॉडी की हर एक बोन्स के बारे में यहां पर स्टडी करना है मुझे। तो अब ह्यूमन की स्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं और यहां पर हम एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। और प्रोसेसली अगर बोले तो ह्यूमन के एंडोस्केलेटन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। और एंडोस्केलेटन में भी यहां पर हम किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? बोन्स के बारे में बात करेंगे कि ह्यूमन की बॉडी में कितनी बोन्स पाई जा रही है, वो हमें यहां पर डिस्कस करना है। तो अगर हम एडल्ट ह्यूमन की बात करें बच्चे, एडल्ट ह्यूमन के अंदर 206 हड्डियां पाई जाती हैं। एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में 206 हड्डियां पाई जाएंगी। एडल्ट ह्यूमन क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अगर मैं चाइल्ड की बात करूं, तो चाइल्ड की बॉडी में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। वहीं अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो की बॉडी में 306 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, एम्ब्रियो में 306 हड्डियां मिलेंगी, चाइल्ड में 270 हड्डियां मिल रही, और एडल्ट ह्यूमन की बॉडी में हमें 206 हड्डियां मिल रही हैं। अब ऐसा क्या हो रहा है सर, कैसी ये कम हो गई? तो थोड़ा सा वेट करें, अभी आगे चलेंगे आपको बहुत क्लियरली सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। ह्यूमन की बॉडी में जो 206 हड्डियां हैं बच्चे, इनको हम दो ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। वो बोन जो कि एक्सियल स्केलेटन बना रही है और वो बोन जो कि अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही है। ठीक है, तो एक्सियल स्केलेटन बनाने वाली कितनी हड्डियां हैं? तो 80 बोन जो है वो एक्सियल स्केलेटन बना रही है और 126 बोन जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन बना रही है। एक्सियल स्केलेटन में क्या क्या आ रहा है सर? देखिए कौन कौन सी बोन आ रही है जो एक्सियल स्केलेटन बना रही है? स्कल बोन एंड एसोसिएटेड बोन, स्कल और स्कल के साथ जो एसोसिएटेड बोन है, रिब्स हो गई, स्टर्नम हो गया, वर्टिब्रल कॉलम हो गया, मतलब कि सर हमारी बॉडी की जो मेन एक्सिस है, मेन एक्सिस बोन है। अपेंडिकुलर मतलब सर इस एक्सिस से जो लटका हुआ स्ट्रक्चर है, हाथ पैर, इनकी जो हड्डियां हैं, इनको हम बोल रहे हैं दे आर द पार्ट ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन, दे आर फॉर्मिंग द अपेंडिकुलर स्केलेटन। और अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 हड्डियां पाई जाती हैं। इसमें हमारी बोन्स ऑफ फोर लिंब, बोन्स ऑफ हाइंड लिंब, हाथों पैरों की जो बोन्स हैं, पेक्टोरल गर्डल की बोन्स हैं, पेल्विक गर्डल की बोन्स हैं, तो ये सब मिलकर बना रही है हमारी अपेंडिकुलर स्केलेटन। फोर लिंब में कितनी हड्डियां हैं सर? तो हर एक फोर लिंब में, राइट एंड लेफ्ट फोर लिंब की बात करेंगे बच्चे, तो हर एक फोर लिंब में 30 बोन पाई जाती हैं, 30 बोन एक में, 30 बोन दूसरे में। इसी तरह हाइंड लिंब की बात करें तो उसमें भी 30 बोन्स हैं। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल की बात करें बच्चे, तो पेक्टोरल गर्डल में दो हाफ मिलेंगे आपको और हर हाफ में दो बोन मिलेंगी। ठीक है, पेक्टोरल गर्डल के टू हाफ्स हैं और इनमें से दो दो हड्डियां हैं, अभी आगे डिस्कस करेंगे। पेल्विक गर्डल की बात करें तो इसमें हिप बोन आ रही है, दो हिप बोन होंगी सर यहां पर। तो इन सारी बोन्स के बारे में हमें एक एक करके डिस्कस करना है। तो पहले हम एक्सियल स्केलेटन की बोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो एक्सियल स्केलेटन की बोन्स में हमारी स्कल्स एंड एसोसिएटेड बोन थी, फिर टोटल कितनी हड्डियां होती हैं सर? 29 बोन्स होती है। हमारी जो स्कल है, स्कल की जो बोन है उनको हम लोगों ने दो सेट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज क्रेनियल बोन एंड फेशियल बोन। फेस की जो बोन है उनको फेशियल बोन बोल रहे हैं और क्रेनियल की बोन को बोल रहे हैं क्रेनियल बोन, है ना। दे आर द टू सेट्स ऑफ बोन हमारे स्कल के अंदर जो पाई जा रही है। क्रेनियल बोन कितनी है? टोटल 8 ही है। फेस के अंदर टोटल कितनी हड्डियां हैं? तो सर फेशियल हड्डियां टोटल 14 होती हैं सर, टोटल 14 फेशियल बोन है और हमारे पास 8 क्रेनियल बोन है। क्या क्या नाम देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर? फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑसिपिटल बोन, इथमोइड बोन, स्फेनोइड बोन। फ्रंटल बोन एक है सर, पेराइटल बोन दो है, टेम्पोरल बोन दो है, ऑसिपिटल बोन एक है, इथमोइड बोन एक है, स्फेनोइड बोन एक है। अभी देखते हैं एनसीईआरटी में डायग्राम बना रखा हमारे स्कल की बोन का, उसको मैं वहीं से दिखाता हूँ अभी आपको, है ना। फेशियल बोन की बात करें तो यहाँ पर मैंडिबल है, मैक्सिला है, वोमर है, नेजल है, पैलेटाइन बोन है, जाइगोमेटिक बोन है, इंफीरियर टर्मिनेजेस हैं, लैक्राइमल बोन है, तो ये सब हमारे फेशियल बोन हो गए। मैंडिबल बोन कितनी है सर? 1 इन नंबर। मैक्सिला की सर 2 है सर। वोमर सर ये एक सिंगल बोन है, बाकी सब पेयर्ड है, बाकी सारी बोन देख रहे हैं पेयर्ड है। तो फेशियल बोन में एक मैंडिबल है और एक वोमर है जो कि अनपेयर्ड बोन है, देख रहे हैं यहीं से जो दिख रहा है आपको, ये अनपेयर्ड बोन है।
बाकी सारी की सारी जो फेसियल बोन है सब पेयर्ड देखो सर, 2-2 नंबर सारी पेयर्ड है। नेक्स्ट ईयर ऑसिकल्स कहां पर प्रेजेंट होते हैं सर? हमारी जो मिडिल ईयर की जो मिडिल ईयर कैविटी होती है उसमें तीन हड्डियां पाई जाती हैं, हर मिडिल ईयर में तीन हड्डियां, मेलस, इनकस, स्टेपिस, उन्हीं को बोल रहे हैं ईयर ऑसिकल। तो तीन हड्डियां सर, एक मिडिल ईयर में सर, दूसरी सर दूसरी मिडिल ईयर में सर। तो ये दोनों हमारी जो मिडिल ईयर है उनके अंदर तीन तीन हड्डियां प्रेजेंट है सर, मेलस, इनकस, स्टेपिस, तो ये टोटल 6 बोन हो गई। नेक्स्ट एक हायोइड बोन है, ये हायोइड बोन कहां प्रेजेंट है सर? ये डायग्राम में देखते हैं, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी, एट द बेस ऑफ द बकल कैविटी यहां पर कई पोजीशन है इसकी सर, यू शेप्ड बोन होती है ये। और ये हायोइड बोन की खासियत क्या है? ये ऐसी बोन है सर जो किसी बाकी बोन से आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, ये जो बोन है हायोइड बोन है डू नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, ये किसी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही है विद एनी अदर बोन, ये इसकी बात हो गई सर। और इनमें जितनी भी मैंने बोन आपको दिखाई बच्चे, इसमें सारी की सारी जो बोन है सारी इमूवेबल होती है, किसको छोड़कर? तो ये जो ईयर ऑसिकल है, मेलियस, इंकस, स्टेपिस, मैंने आपको जब ईयर पढ़ाया था तो वहां पर मैंने बताया था कि जो मेलस, इंकस है इनके बीच में वॉल एंड सॉकेट जॉइंट, यहां पर हिंज जॉइंट, ये सारी चीजें हमने पहले डिस्कस कर ली है। यानी सर ये जो है बोन ये मूवेबल होती है, और यहां पर ये मैंडिबल, मैंडिबल ये एक मूवेबल बोन है, बाकी सारी जो हड्डियां हैं ये सारी इमूवेबल होती हैं, कोई भी किन्हीं भी दो बोन के बीच में आपको मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगा। बाकी जो हमारी बोन्स हैं यहां पर अपने स्कल के बोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं बच्चे। तो अभी देखा हमने यहां पर 2 सेट्स ऑफ बोन पाई जाती है, क्रेनियल बोन और फेशियल बोन। हमारी क्रेनियल बोन में हमने फ्रंटल बोन की बात की थी, पैरेटल बोन की बात की थी, टेम्पोरल बोन की बात की थी, ऑसिपिटल बोन की बात की थी, स्फेनोइड बोन की बात की थी, इथमोइड बोन की बात की थी, है ना। तो जो फ्रंटल बोन है ये फोरहेड बना रही है ना, फोरहेड बना रही है, इसके साथ साथ ये जो ऑर्बिट है बच्चे, ऑर्बिट जो सॉकेट है इसका ना, जो सॉकेट होता है इसका, उसका भी एक स्मॉल पार्ट बना रही है ना। तो ये आपका फ्रंटल बोन क्या कर रही है सर? फोरहेड बना रही है, और ये जो ऑर्बिट का जो सॉकेट है बच्चे, इस सॉकेट का छोटा सा पोर्शन बना रही है सर, ये फ्रंटल बोन हमारी। नेक्स्ट पैराइटल बोन, पैराइटल बोन क्या बना कर दे रही है? पैराइटल बोन क्रेनियम का रूफ बना रही है, इट इज फॉर्मिंग द रूफ ऑफ द क्रेनियम। नेक्स्ट आपके यहाँ पर टेम्पो ऑसिपिटल बोन हो गई, ऑसिपिटल बोन सर ये बेस बना रही है सर, है ना। और इस ऑसिपिटल बोन में एक परफोरेशन पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, बोल रहे सर परफोरेशन यहाँ पर होता है, इसको बोलते हैं फोरामेन मैग्नम। और इस परफोरेशन के दोनों तरफ, ठीक है, ऑन द आइदर साइड, दोनों साइड परफोरेशन के तरफ दोनों साइड पर दो कोंडाइल पाई जाती है, इस ऑसिपिटल बोन में दो कोंडाइल पाई जाती है, इसको बोलते हैं ऑसिपिटल कोंडाइल। और इन ऑसिपिटल कोंडाइल की हेल्प से ही हमारा जो स्कल है, जो स्कल है हमारा, वो हमारी वर्टिब्रा से अटैच हो रहा है। देखेंगे अभी हम किस तरह से अटैच हो रहा है, डाइकोंडाइल एक अटैचमेंट होता है यहाँ पर, है ना। दो कोंडाइल है यहाँ पर, दो कोंडाइल है, तो दोनों कोंडाइल जो है वो फर्स्ट वर्टिब्रा जो है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो हमारी एटलस है उससे जाकर अटैच हो रही है, इसलिए उसको बोलते हैं डाइकोंडाइल एक अटैचमेंट है, और इसको डाइकोंडाइल दो कोंडाइल यहाँ पर इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर ये टेम्पोरल बोन हो गई, पर ये जो टेम्पोरल बोन है इसी टेम्पोरल बोन के अंदर हमारी मिडिल ईयर और इनर ईयर रखी हुई है, ठीक है। इस टेम्पोरल बोन के अंदर जो कैविटी बनती है उसी कैविटी में हमारी मिडिल ईयर रखी है और हमारी इनर ईयर रखी हुई है। और जो मिडिल ईयर है उस मिडिल ईयर के अंदर फिर वो तीनों बोन रखी है, मेलस, इंकस, स्टेपिस, जो हमने डिस्कस किया, ठीक है। नेक्स्ट देखिए ये स्फेनोइड, ये बटरफ्लाई शेप बोन होती है बच्चे, बटरफ्लाई शेप बोन होती है स्फेनोइड बोन। और इस स्फेनोइड बोन के अंदर ये कैविटी होती है, बोलते हैं सेला टर्सिका कैविटी, हमने डिस्कस किया हुआ पहले। और उस सेला टर्सिका कैविटी के अंदर हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड रखी होती है, ठीक है। नेक्स्ट ये देखिए आपकी इथमोइड बोन हो गई, ये लैक्राइमल बोन हो गई, नेजल बोन हो गई, ये जाइगोमेटिक बोन हो गई, पेयर्ड होती है। मैक्सिला, मैक्सिला, मैक्सिला क्या बना रही है? हमारा अपर जो बना रहा है। और मैक्सिला जो हमारी बोन है, इस बोन की जो कैविटी है उसमें हमारे अपर जो की जो टीथ है वो जाकर एम्बेडेड है। ये हमारी मैंडिबल होगी, मैंडिबल लोअर जो बना रही है, और लोअर जो की जो बोन है उसकी कैविटी के अंदर हमारे लोअर जो के जो टीथ है वो जाकर एम्बेडेड है। और अगर यहाँ हम बात करें बच्चे, हमारी जो ये मैंडिबल है, ये मैंडिबल और ईयर ऑसिकल्स यही केवल जो बोन है हमारे वही मूवेबल होते हैं, बाकी कोई भी स्कल की बोन जो है मूवेबल नहीं होती है। तो मैंडिबल मूवेबल, मूवेबल बोन हो गई, ठीक। ये मैंडिबल कहाँ जाकर अटैच है? तो हमारा जो ये लोअर जो है, मैंडिबल जो है, ये जाकर अटैच है टेम्पोरल बोन से। देखिए रहे टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में कैविटी पाई जाती है, उस कैविटी से जाकर ये मैंडिबल अटैच होता है, ठीक है। इसीलिए बोलते हैं हमारे अंदर जो जॉ है वो क्रेनियो स्टाइलिक जॉ सस्पेंशन पाया जाता है, क्योंकि हमारा जो जॉ है, लोअर जॉ जो है वो क्रेनियल बोन से जाकर अटैच है, टेम्पोरल बोन से जाकर यहाँ पर अटैच है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर और क्या है? देखिए हायोइड बोन है, ये यू शेप्ड, हॉर्सू शेप्ड, यू शेप्ड बोन होती है, और ये इकलौती बोन है जो कि बाकी किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं होती है। हमारी फेरिंग्स की, टंग की, है ना, हमारे नेक की, यहाँ की जो मसल्स है वो इसको सपोर्ट कर रही है, ठीक है, वो इसको होल्ड करके रखी होंगी।
नेक्स्ट, यहीं से एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है बच्चे, जो आपकी क्रेनियल बोन है ना, इन क्रेनियल बोन के में जॉइंट्स के बारे में पूछा जाता है, ये क्रेनियल बोन आपस में जुड़ी कैसे है बच्चे, तो देखिए ये जो क्रेनियल बोन है, मैंने बोला कैसे है, इमूवेबल है, कोई मूवमेंट नहीं है। और अभी हम जॉइंट पढ़ेंगे, हम टाइप्स ऑफ जॉइंट पढ़ेंगे, तो हाँ मैं बताऊंगा आपको, कहीं भी अगर आपको ऐसा जॉइंट लगाना है दो बोन के बीच में जहां पर आप ये नहीं चाहते कि किसी भी तरह की मूवमेंट हो, अगर आप ये नहीं चाहते किसी भी तरह की मूवमेंट हो और वहां पर अगर आपको जॉइंट लगाना है, तो उन दो बोन के बीच में हम फाइब्रस जॉइंट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? फाइब्रस जॉइंट लगाते हैं, ठीक है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू के जॉइंट होते हैं, फाइब्रस जॉइंट लगाते हैं वहां पर। तो यहां पर हमारे जो स्कल बोन है इनके बीच में भी फाइब्रस जॉइंट आ जाता है, उनको हम सूचर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फाइब्रस जॉइंट को? सूचर्स बोलते हैं। सूचर से लग रहा है सिल दिया गया है ना, सिल दिया गया है, कुछ मूवमेंट ही नहीं है। यहाँ पर हमें यहाँ पर फाइब्रस जॉइंट देखने को मिलेगा हमारी स्कल की बोन के बीच में, सब ये फाइब्रस जॉइंट शो कर रखा है। हमारी यू शेप्ड हायोइड बोन है, ठीक है, ये किसी भी बाकी किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, तुम्हारी फेरिंग्स, टंग, इन सब की जो मसल्स है वो जाकर इस पे अटैच है और इसको स्टेबलाइज कर रही है, लेकिन बाकी किसी बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं है। इसकी पोजीशन होगी बच्चे, इसकी पोजीशन होगी मेरी यू शेप बोन होगी, इसको बोले हायोइड बोन। हमारी क्या क्या देखा बच्चे हमने यहाँ पर, इन ह्यूमन लोअर जो इज मेड अप ऑफ सिंगल बोन दैट इज मैंडिबल, और ये हमारी इकलौती मूवेबल बोन है यहाँ पर, है ना, इट इज द ओनली मूवेबल बोन। And it articulate with the temporal bone, किसके साथ articulate कर रही है? Temporal bone के साथ articulate कर रही है। और क्या बोल रहे हैं सर, इस तरह के suspension को इसे हम बोलते हैं cranio-stylic jaw suspension, it is called cranio-stylic jaw suspension। वही हम बात करें जो lower jaw है movable है and upper jaw is immovable, सही बात है सर। Skull की जो bone है वापस में कैसे connected है? By fibrous connective tissue। और इस joint को क्या बोलते हैं? Fibrous joint, इसको हम बोलते हैं fibrous joint, ठीक है। और सूचर बोल रहे हैं जो इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट है, इसे इज कॉल्ड सूचर। एंड टेम्पररी स्पेसिस, देखिए बच्चों के अंदर क्या होता है, जो बच्चे हैं अभी, है ना, न्यू बॉर्न बेबीज हैं, उनके अंदर जो सूचर है अभी पूरी तरह से सिलाई हुई नहीं है ना, ये जो बोन है, जो क्रेनियल बोन है उनके बीच में पूरी तरह से जो सिलाई है ये हुई नहीं रहती है, तो यहाँ पर स्पेसिस पाए जाते हैं। जो स्कल की बोन है, क्रेनियल बोन है, इनमें स्पेसिस पाए जाते हैं। पर जो स्पेसिस होते हैं क्रेनियल बोन के बीच में, इनको हम बोलते हैं फोंटेनेल्स। क्या बोला जा रहा है इनको? फोंटेनेल्स, है ना। न्यू बोर्न बेबी का अगर आपने कभी स्कल पैल्पेट किया होगा बच्चे, पैल्पेट करके देखना, सॉफ्ट सॉफ्ट सा लगता है वो, सॉफ्ट क्यों लग रहा है? उन्हीं को बोलते हैं फोंटेनेल्स। वो क्या है सर? वो जो टेम्पररी स्पेसिस है स्कल बोन के बीच में जहाँ पर पूरी तरह सिलाई नहीं हुई है, इसीलिए वो सॉफ्ट लग रहा है वहाँ पर, उन्हीं को बोलते हैं बच्चे फोंटेनेल्स बोल रहे हैं उनको, ठीक है। देयर आर द टेम्पररी स्पेसिस बिटवीन द स्कल बोन्स ऑफ न्यू बोर्न बेबी, फोंटेनेल्स बोले जा रहे हैं। हायोइड बोन की बात की थी मैंने, हायोइड बोन क्या है सर? इट इज अ सिंगल हॉर्सू शेप बोन एंड इट डज नॉट आर्टिकुलेट विद एनी अदर बोन, किसी दूसरे बोन के साथ आर्टिकुलेट नहीं कर रही है, यू शेप बोन है, देखा था मैंने हम लोगों ने डायग्राम में। नेक्स्ट अब बात करते हैं स्टर्नम के बारे में। स्टर्नम सर इट इज अ सिंगल फ्लैट बोन, बॉडी की मिड लाइन वेंट्रल पोजिशन पाई जा रही है, वेंट्रल पोजिशन पे होती है, मिड लाइन पाई जा रही है, सिंगल फ्लैट बोन है। तीन पार्ट होते हैं इसके, मैनुब्रियम, बॉडी, ज़िगोइड प्रोसेस। डायग्राम से देखते हैं सारी चीजें इसकी क्या क्या है। ये हमारी स्टर्नम हो गई सर, इसके तीन पार्ट है, ये हो गया मैनुब्रियम, ये जो फर्स्ट पार्ट दिखा रखा है, ये मैनुब्रियम हो गया, ये इसकी बॉडी हो गई यहाँ तक, और ये ज़िगोइड प्रोसेस हो गया। तीन पार्ट होते हैं स्टर्नम के बच्चे। ये जो इसका मैनुब्रियम वाला पार्ट है, इस मैनुब्रियम वाले पार्ट से ही क्लेविकल अटैच होती है ना, वन पेयर क्लेविकल यहीं से आकर अटैच होती है। और इस स्टर्नम की बॉडी पे सेवन पेयर रिब्स, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है, तो सात एक तरफ, सात इसके दूसरे तरफ, तो दोनों साइड, दोनों लेटरल साइड पे क्या है सर, सेवन पेयर रिब्स अटैच हो रही है स्टर्नम से, और वन पेयर क्लेविकल, एक इधर दूसरा इधर, है ना, तो वन पेयर क्लेविकल और सेवन पेयर रिब्स जो है वो स्टर्नम से अटैच हो रही है। तो क्या देखा हमने बच्चे, स्टर्नम जो हमारी सिंगल फ्लैट बोन है, तीन पार्ट्स हैं इसके, मैनुब्रियम, बॉडी एंड ज़िगोइड प्रोसेस, और इस स्टर्नम से सेवन पेयर ऑफ रिब्स एंड वन पेयर क्लेविकल आर्टिकुलेट हो रहे हैं ना, तो सेवन पेयर ऑफ रिब्स एंड वन पेयर क्लेविकल जो है वो आर्टिकुलेट हो रहे हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं मुझे रिब्स के बारे में। तो ह्यूमंस के अंदर 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं, 12 पेयर रिब्स पाई जाती हैं ह्यूमंस के अंदर बच्चे, याद रखिए। अगर क्वेश्चन जब आएगा तो वहाँ पर बोल देगा ह्यूमंस के अंदर 24 रिब्स पाई जाती हैं, तो क्या गलत बात है, सही तो है ना, 12 पेयर का मतलब क्या होगा, 24 रिब्स हो गई। इस समय आपको ये बहुत छोटी सी बात लग रही है, क्वेश्चन में इतना बड़ा कंफ्यूजन आपको क्रिएट करा देगा ये, कि फिर आप वहाँ पर निगेटिव लेकर आओगे, ठीक है। तो याद रखिएगा इन सब चीज़ों को भी, कैसे उन्होंने प्रेजेंट किया है क्वेश्चन को, ठीक है। रिब्स कैसी होती है, दे आर सिंगल फ्लैट बोन, रिब्स होती है, दे आर सिंगल फ्लैट बोन। अब वो कैसे प्रेजेंट है बॉडी के अंदर, तो वो मैं आपको डायग्राम से दिखाता हूँ। देखिए बच्चे हमारे रिब्स का डायग्राम होंगे,
एनिमल रिब्स कैसी होती है, देयर आर द सिंगल फ्लैट बोन एनिमेटी फ्लैट बोन रिब्स, इसके दो एंड होते हैं बच्चे, ये इसका डॉर्सल एंड होता है और ये इसका वेंट्रल एंड होता है। इसका जो वेंट्रल एंड है वो स्टर्नम से अटैच होता है, ये देखिए ये हमारा स्टर्नम हो गया और ये स्टर्नम में देखिए यहाँ पर ये इसी पॉइंट पर यहीं पर हमारी जो है रिब्स आकर अटैच हो रही है। तो इनका जो वेंट्रल एंड है वो स्टर्नम से अटैच हो रहा है आकर, है ना, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और इनका जो डॉर्सल एंड है, ये जो डॉर्सल एंड है ये जाकर अटैच होता है वर्टिब्रा से। कौन सी वर्टिब्रा से? सर थोरेसिक वर्टिब्रा से। इनका जो डॉर्सल एंड है ये थोरेसिक वर्टिब्रा से जाकर अटैच होता है। ठीक है, देखिए ये जो डॉर्सल एंड है इनका, इनके अंदर दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस पाए जाते हैं, तो इसका ये हेड हो गया, दूसरा ये ट्यूबरकल हो गया। तो इसका जो ये हेड है ये वर्टिब्रा की बॉडी से अटैच होगा। हेड किससे अटैच होगा? वर्टिब्रा की बॉडी से अटैच होगी। मैं आपको वर्टिब्रा पढ़ाऊंगा, वहां बताऊंगा वर्टिब्रा की बॉडी का मतलब क्या है। और जो थोरेसिक वर्टिब्रा होती है उनमें ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं, थोरेसिक वर्टिब्रा में ट्रांसवर्स प्रोसेस पाए जाते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम में भी। तो ये जो ट्यूबरकल है ये ट्यूबरकल उन ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच होता है, और इसका जो ये हेड है ये वर्टिब्रा की बॉडी से जाकर अटैच होता है। ठीक है, और इसलिए जो हेड है, जो आपके रिब है, रिब के टॉर्सल एंड पर दो आर्टिकुलेटिंग सरफेस पाए जा रहे हैं, इसलिए हम रिब्स को बोलते हैं कि दे आर बाइसिफेलिक। ठीक है, रिब्स को क्या बोलते हैं? बाइसिफेलिक, है ना, बोला जाता है रिब्स जो होती है दे आर बाइसिफेलिक। क्यों बोला जाता है रिब्स को बाइसिफेलिक? तो बोलते हैं ना बिकॉज उनका जो डॉर्सल एंड है उनके डॉर्सल एंड में दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, इसका हेड बॉडी से आर्टिकुलेट कर रहा है वर्टिब्रा की, और इसका जो ट्यूबरकल है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच हो रहा है, इसलिए रिब्स को बाइसिफेलिक बोलते हैं। रिब्स को बाइसिफेलिक इसलिए नहीं बोलते कि इसके दो एंड होते हैं, डॉर्सल एंड है वेंट्रल एंड, इसलिए नहीं बोलते बाइसिफेलिक, इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो डॉर्सल एंड है उसमें दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, उसका हेड होता है ट्यूबरकल होता है, इसलिए बोलते हैं कि रिब्स आर बाइसिफेलिक। याद रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। ये देखिए बच्चे, ये वर्टिब्रा होगी, ये थोरेसिक वर्टिब्रा होगी, थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी, इसको बोलते हैं सेंट्रम और बॉडी होता वर्टिब्रा। तो ये जो हेड है वो बॉडी से अटैच हो गया है, और इसका जो ट्यूबरकल है इसको होती है ट्रांसवर्स प्रोसेस, देख रहे हैं दोनों साइड में निकले ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं वर्टिब्रा के, और इन ट्रांसवर्स प्रोसेस से ट्यूबरकल अटैच हो गया। तो ये मैं बोल रहा था कि जो डॉर्सल एंड होता है उसमें दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, तो इसकी हेड होता है, दूसरा ट्यूबरकल होता है, ट्यूबरकल ट्रांसवर्स प्रोसेस से अटैच हो गया और हेड जो है वो वर्टिब्रा की बॉडी से अटैच हो गया। अभी वर्टिब्रा की बॉडी से कैसे अटैच हो वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, सपोज ये आपकी एक वर्टिब्रा होगी और इसकी जस्ट नीचे दूसरी वर्टिब्रा होगी, है ना, तो ये जो रिब्स हैं रिब्स कुछ इस तरह से अटैच होते हैं। ये रिब्स का जो हेड है इसके हेड में, इसके हेड ये इस तरह से अटैच होता है। ठीक है, ये दो वर्टिब्रा के बीच में ऐसे अटैच होता है, सुपीरियर वर्टिब्रा से भी और इंफीरियर वर्टिब्रा से भी। ठीक है, तो एक जो रिब का हेड है वो ऐसे दो वर्टिब्रा से ऐसे बीचों बीच आकर ऐसे अटैच हो रहा है। ठीक है, और इनके अटैचमेंट के लिए, इनके रिब्स के जो हेड है इनके अटैचमेंट के लिए ये जो वर्टिब्रा होती है में डिप्रेशंस पाए जाते हैं, इस तरह डिप्रेशन पाए जाते हैं, उन्हीं डिप्रेशन से जाकर अटैच होता है। तो रिब जो हमारी वर्टिब्रा है, वर्टिब्रा की जो बॉडी है उस पर कितने डिप्रेशन होंगे? दो डिप्रेशन होंगे, ऊपर और एक ऐसे नीचे। आई बात समझ में? इसमें दो डिप्रेशन होंगे, ऐसे ऊपर होगा और ऐसे नीचे होगा। तो सब मैं आपको रिब्स अभी जब वर्टिब्रा पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा, लेकिन यहाँ पर मैं समझ में आ गया कि कैसे अटैच हो रहा है ना, एक साथ दो वर्टिब्रा से अटैच हो रहा है। और ये हमारी जो 12 पेयर रिब्स हैं बच्चे, इनमें से जो 7 पेयर होते हैं उनको बोलते हैं ट्रू रिब्स। 7 पेयर रिब्स को बोल रहे हैं ट्रू रिब्स। क्यों इनको ट्रू रिब्स बोल रहे हैं? क्योंकि इनका जो वेंट्रल एंड है, देख रहे हैं इनका जो वेंट्रल एंड है वो 7 वर्टिब्रा तक, इनका जो वेंट्रल एंड है वो स्टर्नम से अटैच हो रहा है, और इनका जो डॉर्सल एंड है वो वर्टिब्रा से आकर अटैच हो रहा है। तो ऐसी जो वर्टिब्रा है जिनका डॉर्सल एंड वर्टिब्रा से अटैच है, वेंट्रल एंड स्टर्नम से अटैच है, इनको हम बोलते हैं ट्रू रिब्स या फिर वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स, क्योंकि एक एंड इसका वर्टिब्रा से अटैच है, दूसरा स्टर्नम से अटैच है, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, देख रहे हैं हाइलाइन कार्टिलेज से हमारा अटैच है। ठीक है, और बाकी जो 5 पेयर रिब्स है बच्चे उनको बोलते हैं फॉल्स रिब्स। और इसमें फॉल्स रिब्स में आपको दो तरह के रिब्स मिलेंगे बच्चे। देखो ये जो 8, 9, 10, ये जो 8, 9 and 10th पेयर जो रिब्स है बच्चे, ये इनका डॉर्सल एंड जो है वो तो वर्टिब्रा से अटैच है, इनका जो वेंट्रल एंड है वो 7th रिब से आकर अटैच होता है। इनका वेंट्रल एंड कहां से अटैच है? 7th रिब से। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ कार्टिलेज, विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। तो इसे हम बोलते हैं 8th 9th 10th पेयर ऑफ रिब्स को हम बोलते हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स, क्योंकि इनका जो डॉर्सल एंड है वो तो जाकर अटैच है वर्टिब्रा से, और वेंट्रल एंड रिब्स से अटैच है, तो इनको बोल रहे हैं हम वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स।
वही हमारी 11th और 12th पेयर जो रिब्स हैं, 11th एंड 12th पेयर वाली जो रिब्स हैं, इनको हम बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स, क्योंकि ये क्या हो रहा है सर, इनमें आप जब देखोगे तो इनका जो डॉर्सल एंड है वो तो वर्टिब्रा से अटैच है, इनका वेंट्रल एंड पूरी तरह से फ्री है, ना तो वो वर्टिब्रा से अटैच है, सॉरी ना तो वो रिब से अटैच है, ना ही वो स्टर्नम से अटैच है, वो पूरी तरह से फ्री है, ठीक है। तो इनको बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। तो पूछा जाएगा फ्लोटिंग रिब्स कितने होते हैं, बोलते हैं टू पेयर या फिर फोर, चार हो जाएंगे ना, एक दो और दो इधर के, तो चार ये हो जाएंगे। पूछा जाएगा कि जो फॉल्स रिब्स है वो कितने, बोलते हैं ना सेवन है, फाइव पेयर होते हैं। फॉल्स रिब्स कितनी होती है, टोटल फाइव पेयर पाए जाते हैं, और टोटल दस हो जाएंगे, टोटल दस रिब्स हो जाएंगे, फाइव पेयर बोल देंगे। तो क्या क्या देखा बच्चे रिब्स के बारे में, 12 पेयर रिब्स पाए जाती हैं प्रेजेंट इन में, टोटल 24 रिब्स पाए जाती हैं। ईच रिब इज अ सिंगल फ्लैट बोन, इट्स वेंट्रल एंड, अभी देखा हमने वेंट्रल एंड आर्टिकुलेट विद स्टर्नम विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, थ्रू हाइलाइन कार्टिलेज, एंड दैट इसका जो डॉर्सल एंड है हैज टू आर्टिकुलेटिंग सरफेस, हेड और ट्यूबरकल, हेड आर्टिकुलेट करता है विद द बॉडी ऑफ टू एडजेसेंट वर्टिब्रा, देखा था भाई, इट आर्टिकुलेट विद द बॉडी ऑफ टू एडजॉइनिंग वर्टिब्रा, अभी हमने दिखाया था आपको। और इनका जो ट्यूबरकल है वो ट्यूबरकल किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है, इट आर्टिकुलेट विद ट्रांसवर्स प्रोसेस ऑफ द वर्टिब्रा, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने देखा था कि इसका जो ट्यूबरकल है वो ट्रांसवर्स प्रोसेस से आर्टिकुलेट कर रहा है, इसीलिए क्या बोलते हैं, सो द रिब्स आर कॉल्ड बाइसिफेलिक, याद रखना बाइसिफेलिक इसलिए नहीं कहते हैं कि दो एंड होते हैं डॉर्सल एंड वेंट्रल एंड, बल्कि बाइसिफेलिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो डॉर्सल एंड है उसमें दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, इसलिए रिब्स को बोलते हैं बाइसिफेलिक। बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है आपके, ट्रू रिब्स कितने हैं, सेवन पेयर हैं, इनको हम वर्टिब्रो स्टर्नल रिब्स बोल रहे हैं क्योंकि इनका डॉर्सल एंड वर्टिब्रा से अटैच है और वेंट्रल एंड स्टर्नम से अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज। और रिमेनिंग जो फाइव पेयर है रिब्स के उनको बोलते हैं फॉल्स रिब, इसमें जो एट्थ नाइन्थ एंड टेंथ पेयर रिब है उनका डॉर्सल एंड वर्टिब्रा से अटैच है और वेंट्रल एंड इनका सेवेंथ रिब से अटैच है विद द हेल्प ऑफ हाइलाइन कार्टिलेज, तो इनको बोल रहे हैं वर्टिब्रो कॉन्ड्रल रिब्स बोल रहे हैं ना। और 11th एंड 12th पेयर जो है इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इनको हम फ्लोटिंग रिब्स बोल रहे हैं क्योंकि इनका डॉर्सल एंड तो वर्टिब्रा से अटैच है, इनका वर्ड इनका जो वेंट्रल एंड है वो फ्री है, वो किसी से भी अटैच नहीं है, दे आर कॉल्ड फ्लोटिंग रिब्स। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं बच्चे वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, तो अगर देखें एडल्ट के अंदर कितनी वर्टिब्रा पाई जा रही है सर, 26 वर्टिब्रा पाई जाती है एडल्ट में, और एम्ब्रियो के अंदर 33 वर्टिब्रा पाई जाती है। अभी मैंने बताया था कि एम्ब्रियो के अंदर 306 हड्डियां होंगी, एडल्ट के अंदर 206 हड्डियां होंगी, उसको समझने के लिए एप्रोच इन से डेवलप कर सकते हो, ऐसा कैसे हो रहा है। तो अगर हम बात करें एडल्ट के अंदर ये जो 26 वर्टिब्रा हैं उनको हम लोगों ने फर्दर पांच ग्रुप में डिवाइड कर रखा है बच्चे, ठीक है, सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा, सैक्रल वर्टिब्रा, कॉक्सिकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी है सर, 7 ही नंबर, 7 होती है, थोरैसिक वर्टिब्रा 12 है, लंबर वर्टिब्रा 5 है, सैक्रल वर्टिब्रा 1 है, कॉक्सिकल वर्टिब्रा 1 है। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो के अंदर सैक्रल वर्टिब्रा 5 होती हैं और कॉक्सिकल जो होती हैं 4 होती हैं, और एडल्ट के अंदर ये पांचों सैक्रल वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक सैक्रल बोन बना देती है, ठीक है, सिंगल सैक्रम बना रही है। इसी तरह चारों कॉक्सिकल वर्टिब्रा फ्यूज होकर एक कॉक्सिकल बोन बना दे रही है यहाँ पर, ठीक है। इसी तरीके से जैसे यहाँ पर वर्टिब्रा फ्यूज कर गई, अलग अलग थी, फ्यूज कर गई है ना, तो 5 से 1 बन गया, 4 से 1 बन गया, तो इन बोन के नंबर कम हो गए, इसी तरह आपको अलग अलग जगह बॉडी में देखने को मिलेगा कि एम्ब्रियो के अंदर वो सेपरेट बोन होंगे, एडल्ट के अंदर वो फ्यूज करके एक बना देंगे, इसलिए एडल्ट के अंदर बोन के नंबर 206 हैं और एम्ब्रियो के अंदर 306 हैं, इतना वेरिएशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये जो टोटल वर्टिब्रा बच्चे इनमें अगर हम देखें कंपेयर अगर करें तो हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है सबसे छोटी वर्टिब्रा होती है, सर्वाइकल वर्टिब्रा होता है स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। वहीं अगर हम बात करें लंबर वर्टिब्रा की जब बात करते हैं तो लंबर वर्टिब्रा सबसे बड़ी, सबसे लार्जेस्ट, हैवीएस्ट वर्टिब्रा होती है इंसान में। तो वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर समझाने के लिए मैं आपको एक थोरैसिक वर्टिब्रा का डायग्राम दिखाता हूँ और उससे हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से दो वर्टिब्रा एक दूसरे से अटैच होंगी, किस तरह का अटैचमेंट है जिससे आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे पूछा जाता है दो वर्टिब्रा के बीच में किस तरह का ज्वाइंट पाया जाता है। तो इन सारी चीजों को समझने के लिए एक थोरैसिक वर्टिब्रा का स्ट्रक्चर अपन समझते हैं। ये हमारी एक थोरैसिक वर्टिब्रा है, क्या क्या इसमें देखने को मिलेगा आपको, ये इसकी बॉडी, इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, बॉडी या फिर सेंट्रम बोल रहे हैं इसको, ठीक है, इसको बोलते हैं बॉडी ऑफ द सेंट्रम ऑफ द वर्टिब्रा। इसके दो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं, आप देखते हैं दो ट्रांसवर्स प्रोसेस है, और यहाँ पर ये जो आपके हैं बच्चे ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, ऐसे देखो यहाँ पर ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हो गए, ये इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस हो गए, इनको हम और क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं प्री जैगोटोफाइसिस, इसको बोलते हैं पोस्ट जैगोटोफाइसिस, है ना।
तो ये दो आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होते हैं, दो एडजेसेंट वर्टिब्रा को एक दूसरे से अटैच कराने के लिए ये दोनों पाए जाते हैं बच्चे हैं। ये ऊपर की तरफ है, देखो यहाँ पर ऊपर वाला बस आपको दिख रहा है, नीचे वाला नहीं दिख रहा, तो एक मैंने यहाँ दिखा रखा है, इसके लेटरल व्यू से मैं समझ में आ रहा है, इसका सुपीरियर व्यू है, इसका लेटरल व्यू है, तो लेटरल व्यू में समझ में आ रहा है यहाँ पर ये जो ये आपके ये सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, ये आपके सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है, इनको हम बोलते हैं प्री जाइगोटो फाइसेस। इसी तरह इसके नीचे भी आर्टिकुलेटिंग सर्फेस बनेंगे इस तरह से, इनको हम बोलते हैं इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस और पोस्ट जाइगोटो फाइसेस बोल रहे हैं, ठीक। और ये बॉडी हो गई, ये बॉडी हो गई वर्टिब्रा की, इसको हम बॉडी और सेंट्रम बोल रहे हैं, और ये इसका न्यूरल स्पाइन है, देखो ये न्यूरल स्पाइन हो गया, ठीक है, इसको हम बोलते हैं न्यूरल स्पाइन, ठीक है। और ये न्यूरल फोरामेन हो गया, इसी में स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है, ये न्यूरल फोरामेन हो गया, इसमें स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। अब सारी वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर रखी है इस तरह से, जैसे आपको ये एक वर्टिब्रा दिख रही है बच्चे, इसी तरीके सारी वर्टिब्रा इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, इसके ऊपर एक, एकदम एक के ऊपर एक, के ऊपर एक वर्टिब्रा रखी हुई है सारी इस तरह से लाइन से सारी, ठीक है। और उन सारी वर्टिब्रा का ये जो न्यूरल फोरामेन है वो सब एक लाइन में आ जा रहा है, एक लाइन में आ जा रहा है पूरा, है ना, और उसमें एक पूरी पूरी कैनाल बन जा रही है ना, पूरी पूरी कैनाल बन जाएगी, और इस कैनाल में आपका स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है, ठीक है, ये जो कैनाल बनेगा इसमें स्पाइनल कॉर्ड रन कर रहा है। तो क्या क्या देख लिया आपने, बॉडी मिलेगी, सेंट्रम बोल रहे हैं इसको, ये ट्रांसवर्स प्रोसेस हो गई, इस ट्रांसवर्स प्रोसेस के साथ ही रिब्स की जो ट्यूबरकल है वो आर्टिकुलेट करते थे देखा था हमने, ये न्यूरल स्पाइन हो गया यहाँ पर, ये आपके सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस है जिनको आप प्री जाइगोटो फाइसेस बोल रहे हैं, ये देखिए सुपीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस जिनको हम प्री जाइगोटो फाइसेस बोल रहे हैं, ये हमारा इसी तरह से नीचे जब देखेंगे तो इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग सर्फेस होगा, इसको हम पोस्ट जाइगोटो फाइसेस बोल रहे हैं। तो ये हमारी एक थोरैसिक वर्टिब्रा का हमने स्ट्रक्चर दिखाया, क्या थोरैसिक वर्टिब्रा की जो मैंने आपको बॉडी दिखाई बच्चे, उनकी बॉडी में देखो ये मान लो ये बॉडी होगी थोरैसिक वर्टिब्रा की, ठीक है, तो इनकी बॉडी में आपको इस तरह से डेमी फेसेट्स देखने को मिलेंगे, आपको ये थोरैसिक वर्टिब्रा की बॉडी में क्या होंगे सर, डेमी फेसेट दोनों साइड, ठीक है, एक ऊपर पर एक नीचे, इस तरह से डेमी फेसेट देखने को मिल रहा है आपको। इससे क्यों रखें, क्यों ये डेमी फेसेट बने बच्चे, इनको बोलते हैं डेमी फेसेट मिलेंगे हमें यहाँ पर। क्या काम है इन डेमी फेसेट्स का, तो सर इनसे आकर हमारी जो रिब्स हैं वो अटैच होती है, देखा था हमने रिब्स, एक रिब जो है वो दो वर्टिब्रा से अटैच होती है, देखा था हमने बच्चे दो वर्टिब्रा से, तो इसके जस्ट नीचे एक और वर्टिब्रा है उसमें भी ऐसे डेमी फेसेट होगा, तो इस तरह से एक रिब यहाँ पर आकर अटैच हो जाएगी, दो वर्टिब्रा, दो एडजॉइनिंग वर्टिब्रा से एक रिब आकर अटैच होती है। अभी मैंने आपको सारी चीजें बताई थी, तो उसके लिए हमारी जो थोरैसिक वर्टिब्रा है, आपको केवल ये थोरैसिक वर्टिब्रा में ही देखने को मिलेगा डेमी फेसेट्स देखने को मिलेंगे, और केवल थोरैसिक वर्टिब्रा में ही आपको देखने को मिल रहा है, क्योंकि थोरैसिक वर्टिब्रा से ही हमारी 12 पेयर रिब्स आकर अटैच होती है, इसीलिए हमारी थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी है 12, और इन 12 थोरैसिक वर्टिब्रा से 12 पेयर रिब्स आकर अटैच हो जाएंगी। और रिब्स के अटैचमेंट के लिए इन थोरैसिक वर्टिब्रा की जो बॉडी है इनके जो सेंटर है उस पर क्या पाया जा रहा है, डेमी फेसेट्स पाया जा रहा है। और ये बच्चे हमारी सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, है ना, सर्वाइकल वर्टिब्रा हमने देखा था, देखा था स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा, सबसे छोटी वर्टिब्रा है ये, इनके अंदर और क्या आपको अलग देखने को मिलेगा, तो इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है बच्चे, सर्वाइकल वर्टिब्रा के जो ट्रांसवर्स प्रोसेस होते हैं उनमें अपर्चर मिलता है, देख रहे हैं अपर्चर मिलता है, इस अपर्चर को हम बोलते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, क्या बोलते हैं फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम, और ये जो अपर्चर प्रेजेंट है, अब क्या होगा, एक सर्वाइकल वर्टिब्रा हो गई, दूसरी सेवन सर्वाइकल वर्टिब्रा है ना, सात सर्वाइकल वर्टिब्रा, सातों एक दूसरे के ऊपर ऐसे ऐसे, तो आपका सुपीरियर व्यू देख रहे हो, आप ऊपर से देख रहे हो इसको, तो ऐसे सात सर्वाइकल वर्टिब्रा एक दूसरे के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर अरेंज है, तो उससे क्या होगा, उनके ट्रांसवर्स प्रोसेस भी एक दूसरे के ऊपर अलाइन हो जाएंगे, तो अब ये फोरामिना ट्रांसवर्सेरियम जो अपर्चर है, ऐसे कई सारे अपर्चर आ गए एक दूसरे के ऊपर, तो ये पूरी पूरी कैनाल बन जाएगी यहाँ पर, और उस कैनाल को बोलते हैं हम वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, और इस वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल में क्या होगा सर, वर्टिब्रल आर्टरी पास करेगी, और इस कैनाल में आर्टरी पास करेगी, कहाँ जाएगी आर्टरी, ये जाएगी ब्रेन के अंदर, ठीक है, इसी यहीं से पास करेगी, सीधे जाएगी और वो ब्रेन के अंदर फोरामेनम मैग्नम जो है, फोरामेन मैग्नम जो है, फोरामेन मैग्नम से एंटर कर जाएगा ब्रेन के अंदर वो आर्टरी बच्चे, तो उनको पास करने के लिए हमारे ये रास्ता बना रखा है हम लोगों ने वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बना रखी है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या आपको अलग मिल रहा है यहाँ पर, देखिए ये देखिए यहाँ पर न्यूरल स्पाइन, न्यूरल स्पाइन इसका कैसा होता है, बाइफिड है, देख रहे हैं ये बाइफिड न्यूरल स्पाइन देखने को मिलेगा, बाकी सब बाकी जो आपकी थोरैसिक वर्टिब्रा मैंने बताई उनकी न्यूरल स्पाइन कुछ ऐसे निकल कर आए, लेकिन यहाँ पर बाइफिड है ना, बाइफिड न्यूरल स्पाइन आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिफरेंस है हमारा सर्वाइकल वर्टिब्रा का, सर्वाइकल वर्टिब्रा की बॉडी में स्टर्न में आपको डेमी फेसेट भी देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन एक सर्वाइकल वर्टिब्रा में आपको डेमी फेसेट देखने को मिलेगा, किसमें, C7 सर्वाइकल वर्टिब्रा में हमें डेमी फेसेट देखने को मिलेगा, क्योंकि उस C7 के जस्ट नीचे कौन आएगा, T1 आएगा,
T1 फर्स्ट थोरैसिक वर्टिब्रा आएगी, और जो रिब्स होती हैं वो रिब्स दो वर्टिब्रा के बीच में अटैच होती हैं, तो पहली जो रिब है वो C7 और T1 के बीच में अटैच होगी, C7 और T1 की बॉडी के बीच में अटैच होगी, इन दोनों एडजॉइनिंग वर्टिब्रा से अटैच होगी आपकी फर्स्ट रिब। तो हमने बच्चे सर्वाइकल वर्टिब्रा के बारे में डिस्कस कर लिया, ये हमारी फर्स्ट और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा के स्ट्रक्चर में आपको और भी कुछ चेंजेस डिफरेंस देखने को मिलेगा। तो अगर फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा की बात करें इसको हम बोलते हैं एटलस, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम बोल रहे हैं एक्सिस। हमारी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है इसके अंदर बॉडी नहीं है, सेंटर ऑफ सेंट बॉडी नहीं है इसका, ठीक है। इनके जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है वो रिंग शेप्ड है ना, इनके ट्रांसवर्स प्रोसेस कैसे मिलेंगे, रिंग शेप मिलेंगे, बॉडी नहीं है, सेंटर ऑफ सेंट है। स्पाइनल प्रोसेस जो है इनके लेस डेवलप्ड है, स्पाइनल प्रोसेस भी लेस डेवलप्ड है, ठीक है। और बाकी चीजें तो आप यहाँ पर ख्याल सारी चीजें यहाँ पर देखने को मिलेंगी। और क्या मिलेगा सर, ये जो आपकी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसमें आपको ये आर्टिकुलर फैसेट मिल रहे हैं, कोई सुपीरियर आर्टिकुलेट फैसेट, इसी तरह इसके लोअर पोर्शन पर इंफीरियर आर्टिकुलेट फैसेट मिलेंगे। ये जो सुपीरियर आर्टिकुलेट फैसेट है इनके साथ कौन आर्टिकुलेट करेगा, स्कल के जो दोनों कोंडाइल हैं वो दोनों इन आर्टिकुलर फैसेट से आर्टिकुलेट कर जाएंगे और बनाएंगे एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ठीक है। एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट जो कि एक कोंडलाइट जॉइंट होगा, ठीक है, कोंडलाइट जॉइंट होता है तो हम बोलते हैं हमारा जो स्कल डाइकोंडाइलिक स्कल, और जो इसके दोनों कोंडाइल आकर फर्स्ट वर्टिब्रा जो एटलस है उससे जाकर आर्टिकुलेट कर गए उसके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट से, ठीक है। नेक्स्ट इसके अंदर इंफीरियर आर्टिकुलेटिंग फैसेट मिलेगा, जैसे ऊपर दिख रहा है इसके लोअर सर्फेस भी वैसे होगा, वो किससे आर्टिकुलेट करेगा, तो ये देखिए सेकंड वर्टिब्रा, सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा, इसको हम बोल रहे हैं एक्सिस। इसके अंदर आपको बाइफिड स्पाइन मिलेगी, है ना, सेंट्रम बॉडी मिल रहा है, सब कुछ है, इसकी प्रोसेस पाया जाता है, एक्सिस की बॉडी में प्रोसेस है, इसको बोलते हैं ओडोन्टोइड प्रोसेस। और ये जो ओडोन्टोइड प्रोसेस है ये किससे जाकर आर्टिकुलेट करेगा, तो ये देखो ये एक्सिस जो है ना बच्चे, एक्सिस की जो बीच में कैविटी मिल रही है, इस कैविटी को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया जाता है, इस कैविटी के बीचों बीच यहाँ पर लिगामेंट होते हैं, और वो लिगामेंट क्या कर रहा है, इसकी बॉडी को दो पार्ट में डिवाइड कर देता है। इसका जो अपर पार्ट है इसमें स्पाइनल कॉर्ड पास कर रहा है, लोअर पार्ट में, इसका जो लोअर पार्ट है, इस लोअर पार्ट में ये जो ओडोन्टोइड प्रोसेस है ये सब इसमें जाकर आर्टिकुलेट कर जाता है, इसमें इंसर्ट हो गया, ठीक है। इसको बोलते हैं ओडोन्टोइड फोसा, क्या बोले, इसको ओडोन्टोइड फोसा। इस ओडोन्टोइड फोसा में क्या हुआ सर, ये ओडोन्टोइड प्रोसेस जाकर इंसर्ट हो गया, और जब ये ओडोन्टोइड प्रोसेस जाकर इंसर्ट हो जाएगा इस ओडोन्टोइड फोसा बच्चे, तो इससे बन जाएगा यहाँ पर जॉइंट, इसको बोलते हैं एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, क्या बोल रहे हैं इसको, एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, जो कि एक पाइवोट जॉइंट होता है ना, ये एटलेंटल एक्सियल जॉइंट का एक पाइवोट जॉइंट है। पाइवोट जॉइंट क्या होता है मैं आगे बताता हूँ आपको, है ना। ये जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है एक्सिस का, जो ट्रांसवर्स प्रोसेस है इस पे क्या मिल रहा है सर, ये सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट दिख रहे हैं, इन सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट से कौन आकर अटैच हो जाएगा, इनसे आकर अटैच हो जाएगा सर ये इनका एटलस, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा का जो इंफीरियर आर्टिकुलर फैसेट है ना वो आकर आर्टिकुलेट कर जाएगा इनके सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट से, इसके ऊपर आकर फिट हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों फैसेट एक दूसरे फिट हो गए और ये जो प्रोसेस है ये इस फोसा में एंटर हो जाएगा, तो इस तरह से दोनों अटैच हो जाएंगे, ये प्रोसेस फोसा में अटैच एंटर होगा, तो इससे बन जाएगा सर एटलेंटो एक्सियल जॉइंट जो कि एक पाइवोट जॉइंट होगा, और इससे बन जाएगा लेटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट, ये दोनों फैसेट एक दूसरे फिट होंगे तो लेटरल एटलेंटो एक्सियल जॉइंट यहां पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों वर्टिब्रा यहां पर अटैच हो गए। ये देखो मैंने एक और डायग्राम यहां पर बना रखा है, ये देखिए बच्चे, ये फर्स्ट वर्टिब्रा होगी एटलस हो गया, इसके नीचे होगी सेकंड वर्टिब्रा एक्सिस होगी, और ये ओडोन्टोइड प्रोसेस जो है ओडोन्टोइड फोसा में आकर इंसर्ट हो गया, और ये लिगामेंट दिखा रखा है इन्होंने जो कि इसको डिवाइड कर रहा है इंटीरियर और पोस्टीरियर कंपार्टमेंट में, और ये दो ये जो आपके ट्रांसवर्स प्रोसेस में जो फैसेट हैं ये दोनों फैसेट एक दूसरे से अटैच हो जाएंगे, है ना, तो इस तरह से अटैचमेंट हो गया। वही अगर हम बात करते हुए ये जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है, फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है इसके जो सुपीरियर फैसेट है, सुपीरियर फैसेट से कौन अटैच हुआ है, देखो ये ऊपर दिख रहा है, ये ऊपर दिख रहा है, ये क्या है, ये हमारे ऑसिपिटल कोंडाइल है, दोनों ऑसिपिटल कोंडाइल है, स्कल है ऊपर, स्कल है, स्कल के ऑसिपिटल कोंडाइल है जो कि ये सुपीरियर फैसेट से आकर अटैच हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पर ऑसिपिटो एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट, ये एटलेंटो ऑसिपिटल जॉइंट जो कि कोंडाइलाइट जॉइंट है, तो इस तरह से ये पूरा अटैचमेंट देखिए। तो पॉइंट्स देख लेते हैं बच्चे जो हमने सीखा यहाँ पर, स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा हमारी कौन सी, सर्वाइकल वर्टिब्रा बोल रहे हैं, इट इज द स्मॉलेस्ट वर्टिब्रा। लार्जेस्ट हैवीएस्ट वर्टिब्रा कोई पूछेगा कहेंगे लंबर वर्टिब्रा हमारी, इतनी लार्जेस्ट हैवीएस्ट क्यों है, क्योंकि ओवरऑल सारी वर्टिब्रा का जो वेट है यहीं पर पड़ा हुआ है, इसलिए सबसे बड़ा सबसे हैवीएस्ट है। और लोग ईच वर्टिब्रा के अंदर सेवन प्रोसेस मिलेंगे हर वर्टिब्रा में आपको, दो ट्रांसवर्स प्रोसेस सही बात है, दो प्री जाइगोमोफाइसिस जिसको सुपीरियर आर्टिकुलर प्रोसेस बोल रहे हैं, एंड टू पोस्ट जाइगोमोफाइसिस, दोनों साइड से दो
दो प्री जैगोफाइसिस, दो पोस्ट जैगोफाइसिस एंड वन न्यूरल स्पाइन और एक न्यूरल स्पाइन, सब कुछ मैंने दिखाया आपको डायग्राम में, ठीक है। तो ये सेवन प्रोसेस मिलेंगे हर एक वर्टिब्रा के अंदर हमें। और वही अगर हमसे पूछा जाए दो वर्टिब्रा के बीच में किस तरह का ज्वाइंट मिलेगा, तो दो वर्टिब्रा के बीच में दो तरह के ज्वाइंट मिलते हैं। एक तो ज्वाइंट इनके बॉडी के बीच में होता है, इनकी जो बॉडी है वर्टिब्रा की बॉडी है इनके बीच में एक ज्वाइंट होता है, और दूसरा ज्वाइंट होता है इनके जो ये प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस जो है बच्चे ना, प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस इनके बीच में ज्वाइंट मिलेगा, ठीक है। ऊपर वाली वर्टिब्रा का पोस्ट जैगोफाइसिस और नीचे वाले का प्री जैगोफाइसिस, ठीक है। इसी तरीके से ऊपर वाले का, ऊपर वाली जो वर्टिब्रा है इसका प्री जैगोफाइसिस और इसके ऊपर वाली वर्टिब्रा का पोस्ट जैगोफाइसिस, इनके बीच में एक ज्वाइंट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो क्या क्या नाम दिया है इनको, तो हमारी जो ये जैगोफाइसिस है इन जैगोफाइसिस के बीच में, ठीक है, ऊपर वाली वर्टिब्रा का पोस्ट जैगोफाइसिस और नीचे वाली वर्टिब्रा का प्री जैगोफाइसिस, इनके बीच में ग्लाइडिंग ज्वाइंट मिलेगा। क्या मिलेगा आपको, ग्लाइडिंग ज्वाइंट बिटवीन द जैगोफाइसिस ऑफ द वर्टिब्रा। और दूसरा है बच्चे, दूसरा ज्वाइंट है वो है ये जो वर्टिब्रा की बॉडी है, सेंट्रम बोलते हैं ना वर्टिब्रा की बॉडी को, तो जो वर्टिब्रा की बॉडी सेंट्रम जिसको आप बोल रहे हो, इन वर्टिब्रा की बॉडी में जो ज्वाइंट है इसको बोलते हैं हम। और ये कौन सा ज्वाइंट है बच्चे, ये होता है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट, ये है कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। तो दो वर्टिब्रा के बीच में कितने तरह के ज्वाइंट होंगे, सिर्फ दो तरह के ज्वाइंट होते हैं, एक तो जैगोफाइसिस के बीच में और दूसरा इनकी बॉडी के बीच में। और टोटल कितने ज्वाइंट हो जाएंगे, तो एक इधर और एक बीच में, टोटल तीन ज्वाइंट मिलेंगे दो वर्टिब्रा के बीच में, एक तो बॉडी में और दो आपके जैगोफाइसिस के बीच में। और जैगोफाइसिस दोनों साइड होंगे ना बच्चे, इधर भी जैगोफाइसिस है और इधर भी जैगोफाइसिस है, ठीक है। और कैसे होगा मैंने बताया, ऊपर वाली वर्टिब्रा का पोस्ट जैगोफाइसिस और नीचे वाली वर्टिब्रा का प्री जैगोफाइसिस, ऊपर वाली वर्टिब्रा का पोस्ट जैगोफाइसिस और नीचे वाली वर्टिब्रा का प्री जैगोफाइसिस, इनके बीच में मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरह से ये दो तरह के ज्वाइंट है, ग्लाइडिंग ज्वाइंट और कार्टिलेजिनस ज्वाइंट। कार्टिलेजिनस ज्वाइंट कहाँ पर है, बिटवीन द बॉडी ऑफ द वर्टिब्रा, और ग्लाइडिंग ज्वाइंट कहाँ पर है, बिटवीन द जैगोफाइसिस ऑफ द वर्टिब्रा, ठीक है। और दो वर्टिब्रा के बीच में बच्चे, बिटवीन टू वर्टिब्रा इंटर वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है ना, इंटर वर्टिब्रल डिस्क पाई जाती है दो वर्टिब्रा के बीच में। किसका बना होता है इंटर वर्टिब्रल डिस्क, मेड अप ऑफ फाइबरस कार्टिलेज, और उसका जो मटेरियल है उसको क्या बोल रहे हैं, द सॉफ्ट मटेरियल, उसका जो मटेरियल इज न्यूक्लियस पल्पोसस, ठीक है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क का जो मटेरियल है क्या है सर, न्यूक्लियस पल्पोसस। न्यूक्लियस पल्पोसस क्या होता है, इट इज अ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड, इट इज अ रेमिनेंट ऑफ नोटोकॉर्ड। तो ये यहां पर प्रेजेंट है दो वर्टिब्रा के बीच में, और जो वर्टिब्रा की बॉडी है उसको बोलते हैं सेंट्रम, है ना। और सेंट्रम के बारे में क्या देखा बच्चे, सेंट्रम कैसे शॉर्ट सिलेंडर शेप है, दे आर शॉर्ट सिलेंडर शेप, ठीक है। उनका दोनों एंड ऊपर और नीचे दोनों एंड कैसा है, फ्लैट है। और ऐसी जो वर्टिब्रा होती है इनको हम बोलते हैं एम्फीप्लेटियन सेंट्रम, ऐसी वर्टिब्रा का सेंट्रम है, दिस इज कॉल्ड एम्फीप्लेटियन सेंट्रम। और वर्टिब्रा बोलते हैं एसीलस वर्टिब्रा। ये सब कुछ मैंने आपको बताया था बच्चे, बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन जब बताया था मैंने, एनिमल किंगडम जब हमने पढ़ी थी वहां मैंने सब कुछ बताया आपको। क्या क्या देखा हमें बच्चे, ऑन द बॉडी ऑफ थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक वर्टिब्रा की बॉडी में क्या प्रेजेंट होते हैं, डेमी फेसेट्स पाए जाते हैं, डिप्रेशन पाए जाते हैं, इनको हम बोल रहे हैं बच्चे डेमी फेसेट। उनके साथ कौन एटुपलेट कर रहा है, वो गड्ढे क्यों है, डेमी फेसेट्स क्यों है, डिप्रेशन क्यों है, क्योंकि उनके साथ रिब्स का जो हेड है वो आकर आर्टिकुलेट कर रहा है ना। देखा हमने बच्चे सर्वाइकल वर्टिब्रा के अंदर बाइफिड न्यूरल स्पाइन पाया जाता है, ठीक है। तो सर्वाइकल वर्टिब्रा हैज बाइफिड न्यूरल स्पाइन, और इनका यूनिक फीचर क्या है, वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल का प्रेजेंस होना। देखा था हमने वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल बनाया था हम लोगों ने, फोरामेनियम ट्रांसवर्सोरियम जो आपका अपर्चर था, अपर्चर मिलता चला गया उससे पूरी पूरी कैनाल बन गई, उसको हमने बोला था वर्टिब्रो आर्टेरियल कैनाल, ठीक है। फर्स्ट वर्टिब्रा जो है एटलस बोल रहे हैं, हम फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा बोलेंगे, ठीक है। फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा को हम एटलस बोल रहे हैं, और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा को एक्सिस बोल रहे हैं बच्चे, ठीक है। एटलस वर्टिब्रा कैसी है, रिंग शेप्ड है, डू नॉट हैव सेंट्रम, ना कोई बॉडी थी इसकी, ना इसमें न्यूरल स्पाइन प्रेजेंट था, ना ही प्री एंड पोस्ट जैगोफाइसिस, ये सारी चीजें आपको देखने को नहीं मिलेंगी फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा में एटलस में। और सेकंड सर्वाइकल वर्टिब्रा का इंपॉर्टेंस था एक्सिस में क्या था, इसके अंदर इसकी जो बॉडी थी उसमें एक प्रोसेस प्रेजेंट था जिसको आप बोलते थे ओडेंटोइड प्रोसेस, और इसका ओडेंटोइड प्रोसेस इसके अंदर एटलस के अंदर क्या प्रेजेंट है, ओडेंटोइड फोसा है, यहाँ पर ओडेंटोइड फोसा प्रेजेंट था, इसके अंदर ओडेंटोइड प्रोसेस प्रेजेंट है, और वो प्रोसेस उस फोसा में जाकर इंसर्ट हो गया है। तो एटलस और एक्सिस के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, पाइवोट ज्वाइंट है ना, पाइवोट ज्वाइंट, उसका ओडोंटोइड प्रोसेस उसके ओडोंटोइड फोसा में जाकर फंस गया, इंसर्ट हो गया, उससे बना है पाइवोट ज्वाइंट, ठीक है। नेक्स्ट, और स्कल और एटलस के बीच में कौन सा ज्वाइंट है, ये कुंडलोइड ज्वाइंट है, जो आपकी फर्स्ट वर्टिब्रा एटलस है उसके सुपीरियर जो
सुपीरियर आर्टिकुलर फैसेट है उस पर आकर ऑसिपिटल कॉन्डाइल जो है वो फिट हो जा रहे हैं, उससे कॉन्डोलाइट जॉइंट बोल रहे हैं वहां पर, ठीक है। और ये जो है इसको हम बोल रहे हैं पाइवोट जॉइंट। पाइवोट जॉइंट का मतलब क्या होता है, इसमें एक बोन जो है वो फिक्स रहती है और दूसरी बोन मूव करती है, एक बोन फिक्स रहेगी दूसरी बोन मूव करेगी, ठीक है। तो ये पाइवोट जॉइंट का कैरेक्टर। अभी जब हम अपने अपेंडिकुलर स्केलेटन के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चे, तो वहां पर अलग अलग तरह के जॉइंट्स और मिलेंगे हमें, है ना। वहां पर फिर हम पाइवोट जॉइंट की बात करेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट की बात करेंगे, तो वहां पर हम देखेंगे बच्चे कि इन जॉइंट्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या किस तरह का मोशन मोबिलिटी हो रही है कि आप इनको पर्टिकुलर नाम दे रहे हैं। अरे बात समझ में, अलग अलग जॉइंट में क्या किस तरह की मोबिलिटी है कि उसकी बेसिस पर आपने उनको नाम दिया। पाइवोट जॉइंट में किस तरह की मोबिलिटी है देखते हैं, अभी आगे देखते हैं। और पूरी स्कल का जो वेट है वो किस पर डिपेंडेंट है, एटलस पे, जो फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसी पूरा इसका वेट जो है स्कल का वो पूरा पूरा वेट उस पर लगा हुआ है। अगर हम बात करें बच्चे हमारे हेड का, ये जो राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट है बच्चे, राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट है, किसकी वजह से हो पा रहा है राइट लेफ्ट मूवमेंट, तो सर ये हो पाता है ड्यू टू एक्सिस। ये जो पाइवोट जॉइंट है बच्चे उसकी वजह से, एक्सिस सेकेंड सर्वाइकल वर्टिब्रा की वजह से ये राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट हो पा रहा है। आई वो समझ। और ये हेड का जो अप एंड डाउन मूवमेंट हो रहा है ना, अप एंड डाउन मूवमेंट, ये किसकी वजह से हो रहा है, तो ये अप एंड डाउन मूवमेंट होता है फर्स्ट सर्वाइकल वर्टिब्रा एटलस की वजह से। और अप एंड डाउन मूवमेंट को बोल सकते हैं ना, यस हाँ बोलते समय क्या कहते हो आप, कैसे करते हो, हाँ ऐसे करते हो, और ना बोलते समय राइट एंड लेफ्ट मूवमेंट ऐसे कराते हो। तो आपसे पूछा जाता है कि नो बोन किसे कहते हैं और यस बोन किसे कहते हैं, तो यस बोन बोलते हैं किसको सर, यस बोन बोलेंगे एटलस को और नो बोन बोलेंगे सर एक्सिस को। अभी आपसे भूल जाएगा यस वाला कौन था, नो वाला कौन था, भूल जाएगा आपसे। तो अगर देखें हमारा स्कल जो है, स्कल किस पे रखा हुआ है, एटलस पे रखा हुआ है, और एटलस पे आपने स्कल को रख दिया, और उस एटलस पे क्या आप इस तरह की मूवमेंट कराना सही समझेंगे, क्या बताओ, इस तरह का उसको रखा हुआ है, उसको इधर उधर घुमा रहे हो फिसल जाएगा उस पे, तो ऐसे सोचना है, ठीक है। अच्छा रखा हुआ उस पे इधर उधर घुमाएंगे फिसल जाएगा, और अगर घुमाना भी तो ऊपर नीचे घुमाओ साथ साथ, दोनों को साथ साथ लेके ऊपर नीचे घुमाओ, इधर उधर घुमाएंगे राइट लेफ्ट करो तो फिसल जाएगा उसके ऊपर रखा हुआ, ऐसे सोच सकते हैं ना। ये मैं ट्रिक बता रहा हूँ आपको कि फिसल जाएगा, इसीलिए एटलस पे, एटलस के लेवल पर हम ये वाला मूवमेंट नहीं कराएंगे। हरी भाषाओं में तो अगर अपनी हम अपर लिंब की बात करें तो हमारी अपर लिंब को एक्सियल स्केलेटन से अटैच कराने के लिए, जोड़ने के लिए ये पेक्टोरल गर्डल रेस्पॉन्सिबल है। कौन रेस्पॉन्सिबल है सर, पेक्टोरल गर्डल। ये क्या कर रही है, ये हमारे अपर लिंब को आर्टिकुलेट करा रही है, किसके साथ, एक्सियल स्केलेटन के साथ। इट हेल्प्स इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिंब विद एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। और पेक्टोरल गर्डल में दो हाफ्स पाए जाते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स। पेक्टोरल गर्डल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, और हर हाफ में दो बोन देखने को मिलेंगे हमें। ईच हाफ कंसिस्ट ऑफ टू बोन, कैसे कर पा रहा है वो हम देखते हैं। स्कैपुला और क्लेविकल दोनों बोन के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। ये हमारी स्कैपुला हुई मुझे, कैसे देखिए, देखो ये ट्रायंगुलर है ना, तो ट्रायंगुलर फ्लैट बोन होती है ये स्कैपुला हमारी। कहाँ रखी है, बॉडी के डोर्सल सरफेस पे रखा हुआ है इसको हमने, रिब्स के ऊपर, बॉडी के डोर्सल सरफेस पे रिब्स के ऊपर रखा हुआ है इनको हमने। इस स्कैपुला के अंदर आपको तीन प्रोसेस देखने को मिलेंगे। ये इसका स्पाइनस प्रोसेस हो गया, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, इसको बोल रहे हैं कि कोरेकोइड प्रोसेस है। सेकंड नंबर दिखा रखा है इसका, ये कोरेकोइड प्रोसेस है, ये इसका स्पाइनस प्रोसेस है, ये कोरेकोइड प्रोसेस, और ये इसका बच्चे एक्रोमियन प्रोसेस है। ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये कोरेकोइड प्रोसेस हो गया, और ये स्पाइनस प्रोसेस हो गया। और ये जो व्यू देख रहे हो ना, ये इस स्कैपुला का डोर्सल व्यू है, ठीक है। और ये इस स्कैपुला का वेंट्रल व्यू है, वेंट्रल साइड से ये भी हो गया, डोर्सल साइड से ये भी हो गया। तो देखो ये एक्रोमियन प्रोसेस हो गया, ये कोरेकोइड प्रोसेस हो गया, ठीक है। और देखिए इस एक्रोमियन प्रोसेस के नीचे यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है, एक्रोमियन प्रोसेस के जस्ट नीचे यहाँ पर एक कैविटी पाई जाती है, इसको बोलते हैं ग्लिनोइड कैविटी। इस कैविटी क्या बोलते हैं, ग्लिनोइड कैविटी। ये देखो यहाँ पर ग्लिनोइड कैविटी, और इस ग्लिनोइड कैविटी के अंदर आकर ह्यूमरस, ठीक है, अपर लिम की जो बोन है ह्यूमरस,
ह्यूमरस का हेड इसके अंदर आकर आर्टिकुलेट कर रहा है और यहाँ पर आकर ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट बनाता है। वो तो बात की बात है, अभी आगे डिस्कस कर लेंगे हम सारी चीजें, ठीक है। तो ये जो ग्लेनोइड कैविटी है इसके अंदर कौन आकर आर्टिकुलेट कर रहा है सर? हमारी अपर लिम की जो बोन है ह्यूमरस, वो आकर आर्टिकुलेट कर रहा है, ठीक है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये जो हमारी पेक्टोरल गर्डिल है, पेक्टोरल गर्डिल की पार्ट है ये, हमारा पेक्टोरल गर्डिल की बोन है स्कैपुला। ये क्या कर रहा है? ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करा रहा है। अब कैसे करा रहा है वो देखो, स्कैपुला मैंने दिखा दिया यहाँ पर आपको। अब देखिए दूसरी जो बोन है क्लेविकल, वो कैसी है? ये देखिए बच्चे, ये हमारी क्लेविकल हो गई। क्लेविकल कैसी है सर? सिलेंड्रिकल बोन है, थिन सिलेंड्रिकल बोन होती है, बहुत वीक बोन होती है बॉडी की, है थिन सिलेंड्रिकल बोन। इसमें दो कर्वेचर मिलते हैं, देखिए ये इसका ये कॉन्वेक्स वाला कर्वेचर हो गया और इसका ये कॉनकेव कर्वेचर हो गया, ठीक है। और इसके दो एंड है, ये इसका मीडियल एंड हो गया, ये इसका ये लेटरल एंड हो गया। इसका ये जो मीडियल एंड है, क्लेविकल का जो मीडियल एंड है, वो स्टर्नम से जाकर अटैच है। देखो स्टर्नम, ये स्टर्नम हो गई आपकी और स्टर्नम से जाकर अटैच हो गया। मैंने बताया था स्टर्नम की जो मेनुब्रियम है उससे, उस वहीं पर इस क्लेविकल को भी जाकर अटैच करा दिया हम लोगों ने। तो क्लेविकल का जो मीडियल एंड है वो स्टर्नम से अटैच हो गया और क्लेविकल का जो लेटरल एंड है, क्लेविकल का जो लेटरल एंड है वो जाकर अटैच हो गया है किससे? स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से। देखो ये एक्रोमियन प्रोसेस है, स्कैपुला के एक्रोमियन प्रोसेस से जाकर अटैच हो गया इसका लेटरल एंड, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, क्लेविकल जो है ये स्टर्नम से भी अटैच होगी, स्कैपुला से अटैच होगी, और स्कैपुला से कौन अटैच है? हमारा अपर लिम की बोन अटैच है, देख रहे हैं। इसलिए हमने बोला, और ये हमारे क्लेविकल और स्कैपुला, ये किसका पार्ट, यही ये दोनों मिलकर, ये हमारी पेक्टोरल गर्डिल की बोन है। स्कैपुला और स्कैपुला और क्लेविकल को हम बोल रहे हैं कि हमारी पेक्टोरल गर्डिल की बोन है, और ये पेक्टोरल गर्डिल की बोन क्या कर रही है बताओ? एक तरफ से एक्सियल स्केलेटन से अटैच कर रही है, दूसरी तरफ से इसने अपर लिम की बोन को भी आर्टिकुलेट कर रखा है। तो इसलिए हमने बोला कि हमारी जो ये पेक्टोरल गर्डिल की बोन है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन, ये एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है स्टर्नम, है ना। और ये हमारी जो ग्रीनोइड कैविटी में जो आपका ह्यूमरस का हेड आकर अटैच हो रहा है, आर्टिकुलेट कर रहा है, वो आपकी अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन है। तो इस तरह से क्या हुआ, अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन एक्सियल स्केलेटन से आर्टिकुलेट करने में हेल्प कर रहे हैं, कौन? पेक्टोरल गर्डिल। पेक्टोरल गर्डिल, पेक्टोरल गर्डिल कौन बना रहा है? ये पेक्टोरल गर्डिल कौन सी बोन है? ये आपकी क्लेविकल और स्कैपुला, ये पेक्टोरल गर्डिल की बोन है, ठीक है। ये हमारी बात समझ में आई किस तरह, इस तरह से जो पेक्टोरल गर्डिल है ये अपेंडिकुलर स्केलेटन को एक्सियल स्केलेटन से अटैच करवा रहा है। बच्चे क्या क्या देखा आपने? पेक्टोरल गर्डिल की अगर बात करें तो इट हेल्प इन द आर्टिकुलेशन ऑफ अपर लिम्ब विद एक्सियल स्केलेटन। कैसे किया इसने वो मैंने आपको दिखा दिया। क्या देखा हमने कि पेक्टोरल गर्डिल जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू हाफ्स, दो हाफ्स हैं इसके और हर हाफ में दो बोन है, ठीक है। अभी हमने एक साइड की स्कैपुला और क्लेविकल देखी, उसी तरह दूसरे साइड में स्कैपुला और क्लेविकल है। देखो क्लेविकल आपकी दोनों साइड में, इधर भी क्लेविकल है इधर भी क्लेविकल है, तो दोनों साइड में क्लेविकल है। और डोर्सल साइड में आपने स्कैपुला इधर भी रखा है, स्कैपुला इधर भी रखा है, यहाँ पर इसके दो हाफ है और हर हाफ में दो बोन है यहाँ पर, है ना। कौन सी बोन है? स्कैपुला और क्लेविकल। क्लेविकल को हम कॉलर बोन बोलते हैं, कॉलर बोन बोलते हैं, इसको हम ब्यूटी बोन बोलते हैं बच्चे, ब्यूटी बोन, कॉलर बोन, ये सब क्लेविकल के नाम है ना। देखिए स्कैपुला जो है इट इज ब्रॉड डोर्सल फ्लैट ट्रायंगुलर बोन है, इट इज फ्लैट ट्रायंगुलर बोन प्रेजेंट अबव रिब्स। पूछा जाए कौन सी रिब्स के ऊपर पड़े हैं बच्चे, तो सेकंड टू सेवंथ रिब्स के ऊपर इनको रखा हुआ है, ठीक है। और स्कैपुला तीन प्रोसेस प्रेजेंट फॉर द मसल अटैचमेंट के लिए, तीन प्रोसेस यहां पर प्रेजेंट है। अब यहां पढ़ेंगे बच्चे, अब अपर लिम लोअर लिम की जब बोन पढ़ोगे तो इसमें आप प्रोसेस की बात करोगे, तो ये प्रोसेस कैसे बनते हैं? तो सिंपल सी बात है बच्चे, हमें पता है कि जो हमारी बोन होती है, कोई भी जो हमारी बोन है, बोन पे तो आगे मसल अटैच होती है। बिल्कुल सही बात है सर, बोन से ही मसल अटैच होती है। और मसल का काम क्या है? मसल का काम है सर बोन को खींचना, बोन को खींच रही है मसल, तो मसल बोन की मूवमेंट हो रही है, मसल के खींचने से बोन की क्या हो रही है, मूवमेंट हो रही है। तो जिस पॉइंट पर वो मसल अटैच होगी उस बोन से, उस पॉइंट पर क्या होगा बच्चे, उस पॉइंट पर उस बोन का कुछ हिस्सा जो है उठ जाता है ना, थोड़ा सा उसमें प्रोसेस बन गया, एलिवेशन हो गया उस पार्ट में जहां पर मसल अटैच है, ठीक है। और इन्हीं को हम बोलते हैं प्रोसेस, इन्हीं को बोलते हैं देखो प्रोसेस बोन है। जहां जहां प्रोसेस बने मतलब समझ लेना वहां पर मसल अटैच है, मसल ने खींचा है वो बाहर आ गया, ऐसे समझो आप, मसल ने खींचा है वो प्रोसेस बन गया है, आई बात समझ में। बाकी पूरा का पूरा पार्ट कैसे सर? फ्लैट है, मसल नहीं वहां पर अटैच, खींचता नहीं चल रही, हाँ मसल अटैच है खींचता नहीं चल रही है, वहां प्रोसेस बन गया है, वहां पर थोड़ा सा एलिवेशन हो गया, प्रोसेस बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें स्कैपुला की, स्कैपुला में क्या मिल रहा है सर? थ्री प्रोसेस मिल रहे हैं, एक्रोमियन प्रोसेस, कोरेकोइड प्रोसेस एंड स्पाइनस प्रोसेस, तीनों चीजें मैंने आपको दिखाई बच्चे, है ना। नेक्स्ट वही अगर हम बात करें क्लेविकल की बात करें तो क्लेविकल इज अ थिन सिलेंड्रिकल कर्व्ड बोन, दो कर्वेचर थे इसमें कॉन्वेक्स और कॉनकेव, और इसके दो एंड भी है, इसका जो मीडियल एंड है वो किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? विद द स्टर्नम। एंड लेटरल एंड आर्टिकुलेट विद एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला, लेटरल एंड किसके साथ आर्टिकुलेट कर रहा है? एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ द स्कैपुला।
तो अब बात कर लेते हैं अपनी अपर लिंब की बोन के बारे में।